क्या कौन बोलता है वो तो नहीं, वही सब पूछ लीजिए, वही लोग आपको बता देंगे। हम इस सब का नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन पूरी पार्टी और ये सब पार्टी तो मिलके काम कर रही है। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना, ये तो इंटरनल पार्टी का चीज है। जब सभी पार्टियों को मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही ना उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए वो सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। झूठ मूठ के खाली अब चूंकि प्रचार हो जाता है इसीलिए ना सबको मौका मिलता है, तो हम तो आप सब लोगों का अभिनंदन ही ना करते जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह के सवाल पर गेंद आरजेडी के पाले में डाल दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी का मामला है और इस पूरे मामले पर वही लोग देखेंगे। हालांकि नीतीश ने साफ शब्दों में कहा कि वो तो इस तरीके की बातों का नोटिस ही नहीं लेते हैं, जब सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो जवाब भी सभी लोगों का बनता है। तेजस्वी यादव के पाले में गेंद है, अब तेजस्वी यादव सुधाकर सिंह को लेकर क्या कुछ जवाब देते हैं ये देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के तरफ उस सवाल को मोड़ दिया है जिसमें सुधाकर सिंह अमूमन नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाते हैं। हालांकि आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के पूछे गए सवाल पर जवाब दिया और कहा कि लोग जब बोल रहे हैं तभी तो इस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, अगर वो नहीं बोलते तो शायद सुशील मोदी को मौका ही नहीं मिलता। सुनिए नीतीश कुमार ने किस तरीके से सुधाकर सिंह के ऊपर जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने जवाब दिया। अरे बेचारे, देखिए ना भाई, सुशील मोदी जी के बारे में क्यों हमसे पूछते हैं? हम तो चाहते हैं बेचारे कि सुशील मोदी जी का तो हम इज्जत करते हैं, अगर सुशील मोदी जी को बनाइबे करता तो ये नौबत आती, लेकिन छोड़िए ना भाई, अब बेचारे को बना दे तो अच्छा ही है, हमको क्या दिक्कत है, लेकिन उसको तो रोज बोलना ही है, काहे के लिए सब बात करेंगे, आप क्यों आए हैं, हम लोग सब एक साथ काहे हो गए, तो कोई कहीं इधर उधर बात थोड़ी है, कोई किसी तरह से सोचना बात कोई करना आरजेडी जी के बारे में कि उसमें कोई बात नहीं है। क्या कौन बोलता है वो तो नहीं, वही सब पूछ लीजिए, वही लोग आपको बता देंगे। हम इस सब का नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन पूरी पार्टी और ये सब पार्टी तो मिलके काम कर रही है। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना, ये तो इंटरनल पार्टी का चीज है। जब सभी पार्टियों को मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही ना उसको देखेंगे और बोलेंगे। हम तो उस पर नोटिस भी नहीं लेते हैं, कोई ध्यान भी नहीं लेते, पहले भी नहीं कोई बात है, इसलिए वो सबका बहुत मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, झूठ मूठ के खाली। अब चूंकि प्रचार हो जाता है इसीलिए ना सबको मौका मिलता है, तो हम तो आप सब लोगों का अभिनंदन ही ना करते जी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।